नमस्कार दोस्तों, इट्स पॉसिबल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर मिलती है एग्जाम संबंधित सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि व्यापम की जो पटवारी एग्जाम है, यानी एमपीपीईवी द्वारा जो पटवारी एग्जाम ली जा रही है, उसके नोटिफिकेशन से लेकर अब एग्जाम तक हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराते आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 और 15 तारीख को जो दोनों शिफ्टें थी, यानी कि 14 की जो दोनों शिफ्ट है और 15 की दोनों शिफ्ट है, उसमें जो क्वेश्चन करे गए थे दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन को देख कर आगे जो आपके एग्जाम रहे उसकी आप तैयारी कर सकें। दोस्तों, बात करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे 14 तारीख के अंदर, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा एंड तक हम आपको 15 तारीख की दोनों शिफ्टों तक के पूरे क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों उसके अंदर पूछा गया था वो था, एग्री उड़ान किससे संबंधित है? एग्री उड़ान उसका संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सामाजिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन दोस्तों आया था, नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है, यह हमको अभ्यर्थियों के द्वारा मिलते हैं। जो अभ्यर्थी एग्जाम देकर आते हैं, वो लोग उनकी स्मृति अनुसार हमको बताते हैं कि यह क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ताकि रिलेटेड इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस आए थे। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश खनिज नीति कब बनी? मध्य प्रदेश की जो खनिज नीति थी वह कब बनी? एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष पंचायती राज की शुरुआत करी थी? दोस्तों, यह पंचायती राज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था कि भूमि सर्वेक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भूमि सर्वेक्षण अधिनियम से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, ग्राम पंचायत को कौन अनुमोदित करता है? ग्राम पंचायत को कौन अनुमोदित करता है? दोस्तों, एक क्वेश्चन था, ज्ञान दूत परियोजना किस राज्य में लागू हुई? जो ज्ञान दूत परियोजना थी दोस्तों, वह किस राज्य में लागू हुई? एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, नेशनल पार्क से बहने वाली नदी कौन सी है? जो नेशनल पार्क से जो बहती है वह नदी कौन सी है? एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 100% बिजली पहुंचाने वाला भारत का कौन सा राज्य है जिसने 100% बिजली गांव गांव तक पहुंचाई है? दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दूध का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वह राज्य कौन सा है? दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था गोकुल योजना से संबंधित। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, आकाश परियोजना किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आया था कि आकांक्षा परियोजना, सॉरी दोस्तों, यह आकांक्षा परियोजना, आकांक्षा परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि सोशल ऑडिट कौन करता है? इसके अंदर जो ऑप्शंस आए थे उसके अंदर आपके त्रिस्तरीय जो पंचायतें होती हैं वो तीनों आपके ऑप्शंस में थे। अब बात करते हैं, केंद्रीय गौशाला विकास परियोजना क्या है? इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय गौशाला विकास परियोजना कब लागू होगी या यह क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ होती है? दोस्तों, जिस प्रकार से मंदसौर नीमच का जो बेल्ट होता है उसे कहा जाता है कि वहां पर अफीम की खेती होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जो मेगा फूड पार्क है वह कहाँ स्थित है? दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो था, निरांचल परियोजना क्या है? जो निरांचल परियोजना है वह क्या है? एक क्वेश्चन आया था अगला, दीनदयाल कौशल योजना क्या है? दीनदयाल कौशल योजना क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा यही रहता है कि आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से आप आपके आगे की तैयारी कर सकें। दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो था, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो कौन सा राज्य है भारत में? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नीति आयोग में जो नीति होती है, जो नीति वर्ड है नीति आयोग में, उसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन में उसके फुल फॉर्म दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? जैसे कि काफी लोग जानते हैं कि तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है। दोस्तों, काफी टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें पहला या आखिरी नहीं पूछा जाता है, उसके अंदर मैगजीन पूछा जा रहा है कि दूसरा कौन सा होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी की तैयारी करें कुछ भी टॉपिक की, तो आप उसमें पहला और दूसरा दोनों को देख कर रहे, क्योंकि व्यापम के मैगजीन क्वेश्चन दूसरे पर ही बेस करे जा रहे हैं, काफी एग्जाम्स हम देख जा रहे हैं। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो था आपका, अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास कौन सा है? अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास कौन सा है? दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर कौन सी दिशा में स्थित है? दोस्तों, यहाँ महाकालेश्वर मंदिर जो कि दो ज्योतिर्लिंग आपके एमपी में आते हैं, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कौन सी दिशा में स्थित है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत की पहली महिला जिम्नास्ट जो है जिसने ओलंपिक में भाग लिया था वह कौन है? भारत की जो पहली महिला जिम्नास्ट है ओलंपिक में भाग लिया था वह कौन है? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के नेता
जो पहले गृह मंत्री भी रहे और बाद में रक्षा मंत्री भी रहे, ऐसे कौन है जो मध्य प्रदेश के नेता हैं? यह बात करी गई थी जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था उस समय की। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि योग की प्रथम अवधारणा किसने दी, योग की प्रथम जो अवधारणा थी वह किसने दी। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भारत में पिन कोड किस वर्ष में आया, जो पिन कोड होता है दोस्तों वह भारत में किस वर्ष में आया। और दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान खाद्य मंत्री कौन है। दोस्तों जो नवनियुक्ति वगैरह जो होती है, नॉर्मली हम देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह इस प्रकार के मैसेज आते रहते हैं या आप वेबसाइट्स वगैरह से पता कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो भी मंत्री वगैरह उनको भी पढ़ कर जाएं, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान खाद्य मंत्री कौन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीमच किसके लिए प्रसिद्ध, जो नीमच का जो जिला है जो हमारे इधर पश्चिम साइड में आता है उसके लिए पूछा गया था कि नीमच किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, जिसको सिंगरौली कहा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं इस प्रकार से मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के बारे में क्वेश्चन आया। एक आया था इंटरनेशनल वस्त्र परिधान मेला किस स्थान पर लगता है, या किस स्थान पर आयोजित होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र परिधान मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो अमजद अली खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ जो पूछा गया था वो था कि पीवी सिंधु से रिलेटेड दोस्तों यह क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया कि पीवी सिंधु ने वर्तमान में कौन सा टूर्नामेंट जीता है, यानी करेंटली उन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। दोस्तों जो हम लोगों ने हमारे चैनल पर एक वीडियो डाला था भारत की प्रथम महिला, उसके अंदर हमने आपको बताया गया था कि जो प्रथम महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वो पूछा गया था कुली बुक किसने लिखी है, एक बुक है कुली जो किसने लिखी है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैंगनीज कहाँ पाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था तेली की सराय कहाँ पर है, तेली की सराय कहाँ पर है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था मंदसौर में जो शिवना नदी है वहां पर कौन सा मंदिर है, जैसे कि दोस्तों हम दो ज्योतिर्लिंग की तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में, पर एक मंदिर और है जहाँ पर काफी बड़ा शिवलिंग है, वो है आपका मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उसमें पूछा गया था बड़वानी में किसका मंदिर है। दोस्तों मंदिर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, इसके अंदर इस प्रकार से यहाँ हमारा ध्यान है ऑप्शन तो ध्यान नहीं क्या है, लेकिन अगर बात करें कि बड़वानी के निकट जो 52 गज है ऑब्वियसली इसकी बात करी गई होगी, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है महावीर जी की उसकी बात करी गई होगी, तो वहाँ पर किसका मंदिर है। दोस्तों ऑब्वियसली 52 गज से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया गोलमट, गोलमट रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों काफी आ रहे हैं, शिफ्ट में देखे जा रहे हैं गोलमट का पूछा जा रहा है, तो गोलमट जो कि अपने सतना जिले के आसपास आता है तो उसके बारे में पूछा गया होगा। और आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों क्वेश्चन आया था आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। अब दोस्तों यही फिर दूसरी की जो बात कर रहे थे कि सेकंड स्टेज आपकी हमेशा पूछी जा रही है, फर्स्ट तो है ही सही, दूसरा क्या है वह पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि भारत की दूसरी रक्षा मंत्री कौन थी जो कि महिला थी। बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, भारत का जो पहला अंग्रेजी अखबार है दोस्तों वह कौन सा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपकी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है। एक क्वेश्चन आया था कुमार गंधर्व जो है उनका संबंध कौन से स्थान से है। दोस्तों बात करते हैं जो 15 तारीख को पूछा गया था, दोस्तों अभी तक हमने 14 तारीख क्वेश्चंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि 15 तारीख को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी। दोस्तों उसके अंदर क्वेश्चन आया था वो आया था आपका MAPWA योजना क्या है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों चावल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात कृषि मंत्रालय किस वर्ष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बना, जो कृषि मंत्रालय था वो कौन से वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बना। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि सबसे ज्यादा किसान मजदूरी कमाई करने वाला जिला कौन सा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान की मजदूरी की कमाई होती है वह जिला कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो पूछा गया था पंचायत से रिलेटेड था, दोस्तों ग्राम पंचायत में कौन सी अनुसूची में रखा जाता है, ग्राम पंचायत को कौन सी अनुसूची में रखा जाता है। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन था यह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए कितना परसेंटेज एवरेज वार्षिक वृद्धि दर पर रखी गई। अब दोस्तों बात करें कि सारी पंचवर्षीय योजना जो है उससे जो रिलेटेड जो करेंटली जो पंचवर्षीय योजना वगैरह होती है उससे ही क्वेश्चन आते हैं, उस पर परसेंटेज वगैरह आ रहे हैं, तो जिन लोगों के पेपर अभी बाकी हैं वो लोग इन चीजों को पढ़ कर जाएं। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जिसके अंदर पूछा गया था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कितने दिन में क्रियान्वित करते हैं, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना उसको कितने दिन में क्रियान्वित किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था भागड़ा नागल बांध कहाँ पर है, जो भागड़ा नागल बांध है आपका वो कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था उर्वरक कारखाना कहाँ पर है। अब बात करते हैं अगला, प्याली जलाराय नदी कहाँ पर है, यह जो है कि जो प्याली जलाराय नदी जो है जलाशय नदी होगी आपकी, जलाशय नदी जो है
वो कहाँ पर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम पंचायत में आय का स्रोत क्या होता है। दोस्तों जिस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है कि मेले और बाजार के द्वारा आपके इसके आय का स्रोत होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू होगी, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों, कृषक बीमा योजना का क्या कार्य है, जो कृषक बीमा योजना उसका कार्य क्या है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो था कि केंद्रीय सेंटर से रिलेटेड था कि केंद्रीय फिशरीज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय सतत कृषि कार्यक्रम में कितना आवंटन कृषि में आयोग में होता है। राष्ट्रीय सतत कृषि कार्यक्रम में कितना आवंटन कृषि में उपयोग होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष में हुई। जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई। दोस्तों ईयरली भी काफी पूछे जाते हैं, हम देख रहे हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन जो ईयर बेस काफी आते हैं, उसके ईयर वगैरह को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो था वो था पीली क्रांति का किससे संबंध है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, उसमें पूछा गया था परसेंटेज में पूछा गया था कि कृषि श्रमिक मध्य प्रदेश किस जिले में है। कुछ परसेंटेज दिए गए थे, उसके बारे में पूछा गया था कि कृषि श्रमिक कितने कहाँ पर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो खंडवा में फूड पार्क है उसका क्या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि वर्गीस कुरियन ने गुजरात में किसान इंस्टीट्यूट की स्थापना की, उसका उसका नाम क्या है। जो वर्गीस कुरियन ने गुजरात में जो किसान इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो था मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पंचायत किस जिले में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पंचायत कौन से जिले में। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें पूछा गया था उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सीएम कौन बना, यानी उमा भारती के बाद में किसे मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया था। दोस्तों जो बाबूलाल गौर थे उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया था। और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसमें पूछा गया था आगरमालवा में कौन सी नदी बहती है, जो आगरमालवा है वहां पर कौन सी नदी बहती है। दोस्तों अब बात करते हैं, किस भारतीय महिला ने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता था। दोस्तों किस भारतीय महिला ने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता, जहां तक मेरा ध्यान है यह कल्लम माहेश्वरी जो थी उनके बारे में पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों अगर इसमें 29 ऑप्शन होगा तो आपका सही हो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कटनी जिला किसका भाग था, जो कटनी जिला है वो पहले किसका भाग था जिसको अलग करके फिर उसे जिला बनाया गया है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा गया था छतरपुर में धनुषधारी मंदिर कहाँ है, छतरपुर में जो धनुषधारी मंदिर है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों छतरपुर के अंदर जो गांव होगा उसके बारे में पूछा गया था धनुषधारी मंदिर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह कब हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, उसमें पूछा गया था दोस्तों भीम बेटिका गुफा कौन से जिले में आती है। तो जैसे हम जानते हैं कि रायसेन भोपाल के आसपास जो रायसेन जिला है वहाँ पर भीम बेटिका गुफा आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला द्वीप जिसे जिला घोषित किया गया, एक ऐसा द्वीप जो जिसे जिला घोषित किया गया। अगला बात करते हैं दोस्तों, लेखक से रिलेटेड आया था, इसमें पूछा गया था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया था किस विटामिन के धातु में मेटल के कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन सा विटामिन है जिसके अंदर मेटल के कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया था जो जल्लीकट्टू जो कि करंट में काफी चर्चा में रहा उससे संबंधित यह क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि जल्लीकट्टू का संबंध कौन से राज्य से है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, जिसमें पूछा गया था नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया था कालिदास पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, चार ऑप्शन आपके दिए गए थे, उसमें पूछा गया था किसमें नहीं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में जो कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है, दोस्तों इसमें इंदौर आपका ऑप्शन होगा। बात करते हैं यूएन की पहली महिला सदस्य कौन थी, जो यूएन की जो पहली महिला सदस्य कौन थी दोस्तों उसके बारे में आया, तो शायद से विजयलक्ष्मी पंडित वगैरह इसमें ऑप्शन में होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसमें पूछा था कि यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक जैसे कि महात्मा गांधी काफी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वो था आपका भारत का 29वां राज्य कौन सा है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय नौसेना को सितंबर 17 में कौन सी भारतीय निर्मित पनडुब्बी सौंपी गई, आपके पनडुब्बी के ऑप्शन वगैरह थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया कौन सा पब्लिक सेंटर बैंक नहीं है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया था अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि भोपाल की पहली महिला शासक कौन है, भोपाल की जो पहली महिला शासक थी वह कौन थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सीहोर का वो मंदिर जिसे विक्रमादित्य ने बनवाया था और इसमें पेशवा बाजीराव ने पूजा की थी, दोस्तों वह मंदिर कौन सा है। आगे बात करते हैं दोस्तों भगोरिया उत्सव जो कि हमारे झाबुआ राजपुर में काफी फेमस है और पूरे मध्य प्रदेश में चौथी जगह पे मनाया जाता है,
उसकी बात करें तो उसमें पूछा गया था कि भगोरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि था आपका वर्ल्ड कप से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसमें पूछा गया था फीफा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौन जीता था, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ईवीएम जो मशीन होती है हमारे वोटर से संबंधित, उसके बारे में पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ शुरू हुई थी, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों उसमें पूछा गया था झाबुआ के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, जो झाबुआ का दक्षिण क्षेत्र है उसमें कौन सी नदी बहती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो उसमें यहाँ से वगैरह ऑप्शन में होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है। दोस्तों डेज वगैरह आप याद कर लें, डेज वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है जो है आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें उसमें पूछा गया था भारत में दूसरा कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत का जो दूसरा राज्य जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है वह कौन सा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, उसमें पूछा गया था नीति आयोग के सलाहकार परिषद क्या कार्य है, नीति आयोग के जो सलाहकार परिषद होता है उनका कार्य क्या होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें पूछा गया था मानव मस्तिष्क संबंधित हड्डी कौन सी है, मानव मस्तिष्क संबंधित हड्डी कौन सी है। दोस्तों यह आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उमरिया के माधवगढ़ किले में शैया पर स्थित मंदिर किस भगवान का है। जो बांधवगढ़ किला जो है आपका उमरिया के अंदर, वहां पर शैया पर स्थित मंदिर किस भगवान का है। दोस्तों तो यह थे हमारे 15 और 14 को जो दोनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो कि अभ्यर्थी की स्मृति अनुसार हमें मिले हैं, तो यह हमें आपको बताएं। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी भी जारी रखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी अभी एग्जाम दें उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।